नए जमाने का टायर जी हाँ। अब तक आप लोगों ने देखा था कि 18-18 इंची के टायर लगा करते थे ट्रैक्टर के अंदर, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टायर दिखाने वाली हूँ सिर्फ 4 इंची का है। तस्वीरों के अंदर आप जो ये टायर देख पा रहे हैं ना, ये चकचक चरखा चले वाला टायर नहीं है, बल्कि असली खेतों के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक बहुत बड़ा यानी कि लगभग 5.25 फीट का ये टायर है। नॉर्मल टायर की अगर बात की जाए तो पीछे आप लोग देख सकते हैं 18 इंची का इतना मोटा टायर पहले इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है ये नए जमाने का ट्रैक्टर यहाँ पर आ चुका है। और आपको बता देते इसकी कीमत सिर्फ 1,35,000 इनके साथ साथ में, लेकिन आपको 1,35,000 के अंदर पूरा ट्रैक्टर इतने पतले टायरों वाला कैसे मिल जाएगा और कैसे जो है ये खेतों के अंदर काम करेगा। तो हमारे साथ जो है देवीलाल जी मौजूद है जो हमें इसकी पूरी जानकारी देंगे। देवीलाल जी मुझे ये बताइए, ये जो ट्रैक्टर हम लोग देख पा रहे हैं इतने पतले इसके टायर है, खेतों के अंदर चलेगा कैसे? नमस्कार मैम, इसको खेत में चलाने के लिए तो वही जैसे अपना आम ट्रैक्टर चलता है ऐसे ही चलेगा ये, लेकिन इसको बनाने का मेन मोटिव है जैसे हम खेतों में स्प्रे करते हैं उसके लिए हमें बड़ी बड़ी नालियां खींच के ले जानी पड़ती हैं, लेकिन ये बिल्कुल फसल के अंदर ही जाएगा, वहीं पर ही स्प्रे करेगा या खाद डालेगा, और जिससे किसान की क्या समय की बचत भी होगी। सभी किसानों के पास ट्रैक्टर होते हैं, अगर वो ये टायर खरीदेंगे और अटैचमेंट लगवाएंगे तो उनके समय की इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 4 नट उधर खोलने हैं 4 उधर खोलने हैं, तो उसके साथ ही क्या है इसके टायर अलग हो जाते हैं और दूसरा टायर किसान आसानी से। आपको मैं बताती हूँ कि आखिरकार ये टायरों का इस्तेमाल किस वजह से किया जा रहा है, इतने पतले टायर क्यों लगाए गए हैं। तो जैसे ही आप लोग अपने खेतों के अंदर फसल उगाते हैं, पहले जो है आप लोग अपनी फसल उगाते हैं, फिर जो है थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं जिसके अंदर मिट्टी या खाद होती है, फिर उसके बाद फसल उगाते हैं, जो लाइन के अंदर आप फसलें उगाते हैं वहाँ पर उन लाइनों के अंदर ये ट्रैक्टर चलेगा, और उसके बाद इस ट्रैक्टर के यहाँ और उस साइड जो है छिड़कने के लिए एक चीज लगाई जाएगी, जिसके बाद उसके अंदर से पेस्टिसाइड आप अपने खेतों के अंदर छिड़क सकते हैं, और अगर खाद आप लोग अपने खेतों के अंदर छिड़कना चाहते हैं तो वो भी छिड़क सकते हैं। देवीलाल जी मुझे ये बताइए कौन कौन सी फसलों के अंदर ये काम आता है ट्रैक्टर? मैम ये धान के अंदर होगी या सरसों होगी, जो भी अपना आम फसल लगाते हैं, या कॉटन होगी, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, इन सभी के अंदर हम इसका वर्क ले सकते हैं। इसके अंदर जो पीछे खाद वाला स्प्रेडर लगा सकते हैं, बूम स्प्रेयर लगा सकते हैं, जिसमें क्या है अगर हम बूम स्प्रेयर लगाएंगे वो फुट में आता है, जैसे हम बनाते हैं जो बूम स्प्रेयर वो लगभग 55 फीट का है, जो एक एकड़ में सिर्फ इसके 4 ही चक्कर लगते हैं, एक आने का, एक जाने का, एक आने का और एक जाने का। इससे क्या है समय की भी बचत होती है और ऑयल का खर्चा भी ये ट्रैक्टर बहुत कम आता है। किसानों के पास सभी प्रकार के ट्रैक्टर होते हैं, वो किसी ट्रैक्टर के ऊपर भी इसका यूज कर सकते हैं। कई किसान सोचते हैं कि मेरा ट्रैक्टर बहुत पुराना हो चुका है, मैं नया ट्रैक्टर ले लूं, लेकिन उस पुराने ट्रैक्टर से भी इससे आप यूज कर सकते हैं, वो पुराना ट्रैक्टर भी आपको अच्छी कमाई दे सकता है टायर लगवाने के बाद। ख्याल से ये ट्रैक्टर कम रिक्शा ज्यादा है, क्योंकि रिक्शा के इतने पतले टायर हुआ करते थे, अब ये एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके चलते किसानों को कितना फायदा मिलेगा? किसानों को मैम इसका बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जब हम आजकल क्या है जैसे मंडूसी बहुत ज़्यादा होने लगी, उसमें क्या है एक पेंडी नाम की स्प्रेयर करते हैं हम, चाहे कि मंडूसी ना हो तो किसान पहले ही करता है उसके ऊपर, तो अगर ढोल वाले को बुलाता है तो उसमें कम से कम 500-600 रुपए एक एकड़ का वो ले लेता है, लेकिन जब भी किसान इसके साथ करेगा तो एक इसका बूम स्प्रेयर आता है ना, और उसमें क्या अगर मोटे टायरों के साथ अंदर जाएगा ट्रैक्टर तो उसमें क्या हो जाता है वो फसल की छड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको रोकने के लिए ये बिल्कुल पतले टायर हैं, जिससे हमारा जो अभी हम बीज लगाएंगे उसके अंदर किसी प्रकार की कोई छड़त नहीं होगी और ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए ये वो ट्रैक्टर है जिसके पतले टायर है जो यहाँ पर खड़ा है, इसके बाद यहाँ पर एक चीज लगाई जाएगी जिसके अंदर से आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। पहले जो है एक आदमी अकेला अपने पीछे टंकी लगा करके खेतों के अंदर स्प्रे किया करता था, अब ये नई मशीन आई है, यहाँ पर देखिए जो है फसल उगाई गई है, बीज के अंदर जो है जगह छोड़ी गई है, फिर फसल उगाई गई है, फिर बीज के अंदर जगह छोड़ी गई है, उन दोनों जगहों के अंदर इसके टायर जो है आसानी से आ सकते हैं, और उसके बाद पीछे लगा करके या फिर आगे लगा करके आप लोग अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर सकते हैं, ताकि कोई भी इंसेक्ट्स जो है वो आपकी फसल को खराब ना कर दे, और साथ ही साथ इसके अंदर जो है आप लोग अपना जो है खाद भी डाल सकते हैं। मुझे ये बताइए अगर इसकी बात की जाए टायर की तो ये कैसे लगते हैं?
मैम इसकी जो अटैचमेंट है वो हमारी वर्कशॉप है, वहीं पे हम इसकी रेडी करते हैं और लगाते हैं। अगर कोई भी किसान भाई इसको लगवाना चाहते हैं तो हमारी ब्रांच में आके संपर्क कर सकता है। जो नंबर है हमारे वो पीछे स्क्रीन पे दिए हुए हैं। वैसे भारत एग्रो इंडस्ट्री टोहाना चंडीगढ़ रोड पे जो है आप वहाँ आके संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारे संपर्क सूत्र हैं वो हैं 93-151-43-151 और 98-133 और 23-140। जो भी किसान इसके बारे में कुछ पूछना चाहता है तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकता है। अच्छा मुझे बताइए, एक जो नॉर्मल ट्रैक्टर होता है वो कितनी जो है देर के अंदर खेतों के अंदर स्प्रे कर देता है, और ये कितनी देर के अंदर करता है? मैम टाइम तो देखो नॉर्मल में और इसमें इतना ही लगना है, लेकिन जो नॉर्मल ट्रैक्टर है अगर वो फसल के अंदर से जाएगा तो सारी फसल को खराब कर देगा। इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा, ये सिर्फ मोड़ के ऊपर थोड़ी बहुत ही होती है वही फसल टूटेगी, नहीं तो इसके अंदर फसल बिल्कुल नहीं टूटती है। अच्छा इस टायर की क्वालिटी की बात की जाए तो ये टायर जो है यहाँ से लोहे का बना हुआ है और यहाँ से जो है रबड़ का बना हुआ है। ये देखिए आपको दिखा देती हूँ, ये जो है रबड़ का बना हुआ है, आप नाखून का निशान देख सकते हैं, ये रबड़ का बना हुआ है। और अगर बात की जाए इस टायर के अंदर क्या कोई ट्यूब है तो आपको बता देते हैं, जी नहीं इसके अंदर कोई भी ट्यूब नहीं है बल्कि ये ट्यूबलेस टायर है। और क्या ये कोई पंचर वेंचर या खराबी हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता, बस इसको क्या है हमारे रोड पे, अगर रोड पे भी चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं, खेतों में चलेगा, लेकिन इनको क्या है गड्ढों से बचा कर रखना पड़ेगा और कोई इसमें किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आएगा। ये टायर कितने पड़ते हैं जी ये टायर इसके? ये टायर अगर आज आप मेले के अंदर एचयू मेले में खड़ा ट्रैक्टर, अगर आज आप ट्रैक्टर के ऊपर टायर लगवाने के लिए हमसे संपर्क करेंगे तो आज आपको हम 1,35,000 के लगा के देंगे टायर आपके ट्रैक्टर के। अगर हम हमारे से बाद में संपर्क करोगे तो ये टायर 1.5 लाख रुपए के विद अटैचमेंट है। और कोई क्वेरी है आप लोगों की कुछ पूछना इस ट्रैक्टर के बारे में? और तो जी कुछ नहीं इसके, ये स्प्रे के लिए है क्या? स्प्रे और खाद के लिए, खाद के लिए। आपको क्या लगता है कि खेतों के अंदर ये सफल हो पाएगा? देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, खेतों के अंदर सफल हो जाएगा, हो जाएगा जी, हो जाएगा। टायर इतने बड़े हैं टायर, उसे तो इतना ही है, नुकसान कम होगा इससे। आपको क्या लगता है खेतों के अंदर सफल होगा? ये रबड़ वाले टायर को उतार के दूसरे वाले टायर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हो। कुछ नहीं है, ये 4 नट आपने खोलने हैं, बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद ही आप दूसरे टायर ऐसे ही फिट कर सकते हैं। और पहाड़े वगैरह काटा है उसमें यूज हो सकता है? क्या सर जो दीरी में पहाड़े काटा है, समझ गया? नहीं 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 सर, उनके अंदर यूज नहीं होगा, ये अलग से फिट होगी स्प्रेयर के लिए, पानी के अंदर जी, पानी के अंदर भी, गेहूं के अंदर भी, ज्वार के अंदर भी, बाजरे के अंदर, गन्ने के अंदर, मल्टीक्रॉप जी 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 आप अंकल जी, ये सिर्फ टायरों की कीमत है, वो अगर आपने बूम स्प्रेयर लेना उसकी कीमतें अलग होती है, स्प्रेडर की कीमत अलग होती है। पहले ये टंकी इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है जी, 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से सब्सिडी? नहीं इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं है, हम अपनी तरफ से आज मेले के अंदर इसमें पीछे कोई, आपको लगता है कि कोई ऐसा हो जिसको लगता हो कि ये खेत के अंदर कामयाब नहीं होगा? पता नहीं, देखिए आज देखिए आ जाए। आपकी कोई और जानकारी लेनी हो आपको इसके बारे में? इसके बारे में ये जानकारी लेनी चाहती है, ये टायर कितने रुपए का खर्चा पड़ेगा टायर का, और कौन सी फसलों में ये कामयाब होगा? बिल्कुल आपको बता दें, मिट्टी वाली फसल जो है या फिर पानी की जो फसल है दोनों में कामयाब है। मैम जी इसमें क्या है, हमने लगभग इसकी बिजाई है जो मशीन के साथ करनी पड़ेगी, फूड के अंदर ही चलेगा, अगर हम आगे पीछे फसल लगा देंगे तो फिर तो ये तोड़ता हुआ चलेगा। अगर अगर दलदल के अंदर ये चलेगा तो ये फंस नहीं जाएगा? नहीं मैम नहीं, दलदल के अंदर तो मैम चाहे आपका बड़ा दूसरा ट्रैक्टर भी मोटे टायरों वाला वो भी धस जाता है, ये तो